यहाँ से कटा जाए लुकाइन पहले मीडिया बोले ले मीडिया के सामने सब निकलवा हुआ था हो गया है एम्बुलेंस का सब टूट गया है सबका मानी मानी भी बैठ गया कंपनी 6 महीने से काम चला रहा है लेकिन ये जिसे में सीट पूरा टूटा हुआ है सीट बोलने पर एसीओ महोदय को बोला जाता है बनाने के लिए लेकिन बोलते हैं आजकल मतलब 2 साल से ही काम चल रहा है आज बनेगा कल बनेगा 2 साल से जब हम बोलते हैं ऊपर में सायरन रूमेक्स ये सब नहीं है वो देखिए प्लास्टिक हम लोग चिपका कर उसको काम चला रहे हैं शीशा मरीज के जो गर्जियन होते हैं वो लोग तो गाली भी देने लगते हैं कि शीशा नहीं है गाड़ी में पूरा ठंडी लगता है ठंडी के मौसम में सीट से सब भी नीचे गिर जाता है सीट से जैसे में सब भी गिर जाता है लोग गाली गलौज भी करने लगते हैं हम लोग के सो बोला जाता है तो इसलिए बोलते हैं कि बनेगा पैसा आएगा तब कितना दिन से ये समस्या है आपके एम्बुलेंस में समस्या में मतलब साल भर से है साल क्या नाम है आपका कृष्णा कुमार क्या है आप जी हम इस एम्बुलेंस का हेल्पर हैं समस्या है और सर ऐसा है कि यहाँ पर सब पूरा पेशेंट को बहुत दिक्कत होता है रनिंग में इसका दरवाज़ा भी खुल जाता है गाड़ी का दोनों और यहाँ सब पूरा गाड़ी पटकती भी बहुत काफ़ी है गाड़ी का सही ढंग से मेंटेनेंस नहीं हो पाता है और हमारे अधिकारी से कहने पे बोलते हैं कि आजकल करते ऐसे हैं टालती रहते हैं गाड़ी का सही ढंग से काम नहीं करवाते हैं लुकिंग गिलास हम लोग का टूट गया है वो कम से 6 महीने से हम उनको बोल चुके हैं लेकिन नहीं लगाते हैं हम लोग को गाड़ी बैक करने में या बनारस वनारस जाने में मार्केट में बहुत दिक्कत होता है बहुत मजबूरी से हम लोग गाड़ी चलाते हैं और यहाँ जो टूट गया है तो बोल रहे हैं कि ड्राइवर का पेमेंट से काट कर उसके बाद लगाया जाएगा इसमें अगर ऐसे में कोई सीरियस मरीज आता है गोली लगा हुआ तो ऐसे में क्या एम्बुलेंस सक्सेस रहेगी जाने के लिए एम्बुलेंस ले पेशेंट जाता है लेकिन उतना आप सोचिएगा कि हम बहुत जल्दी इसको पहुंचा कर सर्विस दे दें तो उतना जल्दी हम नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हमारी गाड़ी का स्थिति उतना सही नहीं है कि हम गाड़ी हम 60 एम्बुलेंस में खराबी में है कि मरीज को बैठाते हैं जब सीट पर तो गाड़ी जब चलती है हाईवे पर जब हम रेफर लेके जाते हैं बीएचयू के लिए उस समय गाड़ी को जो ड्राइवर तेज स्पीड में चलाते हैं तो गाड़ी का जो है चेचिस बॉडी जो हिलने लगता है मचान की तरह और इसमें बगल में सीट इतना इसका बॉडी चदरा जो है झरा हुआ है जर्जर हो गया है कि नीचे से धूल गर्दा जाता है तो मरीज हमको डांटने लगता है इसमें धूल गर्दा तुम लोग रखे हो साफ नहीं की हो जबकि हम लोग समय से साफ करवाते हैं धोते हैं फिर भी इसमें इतना गर्दा सीट टूट जाने से बगल में सीट टूट जाने से जो है छेद हो जाने से धूल गर्दा रोड पर से अंदर घुसता है और हम लोगों को भी जैसे धुआं लगता है आदमी को दम घुटने लगता है उस तरह की स्थिति हो जाती है मरीज से भी खरीद तो मुझे लिखित रूप में चाहे ऐसे मौखिक रूप से ये किसी की तरह प्राप्त नहीं हुई है लेकिन प्रत्येक महीने में हम लोग यहाँ से रिपोर्ट भेजते हैं एम्बुलेंस का रिपोर्ट भेजते हैं ये जिला स्वास्थ्य समिति में और लेकिन उस ये लास्ट रिपोर्ट जो हमने भेजा है वहाँ उसमें बहुत कई सारी कमियाँ उसमें पाई गई थी लेकिन उसके हिसाब से पर डे 500 रुपये कटौती की जाती है अगर कभी बच जाती है तो पर डे ये चार एम्बुलेंस है उसमें पर डे के हिसाब से 500 रुपये कटौती करने की अनुशंसा की गई थी और जो न्यू एम्बुलेंस है उसमें